वेलकम टू माई चैनल स्टडी जोन, नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 11th बायोलॉजी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन होती है ऑफ ऑल बायोलॉजिकल या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये एक स्टडी होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की। कार्लस लीनियस फादर थे टैक्सोनॉमी के और उन्होंने सिस्टमा नेचुरे लिखी थी और डिस्क्राइब किए थे 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे नीट एग्जाम्स के लिए पूछा जा सकता है। मल्टी सेलर यूकेरियोट्स विदाउट सेल वॉल, उन्हें हम एनिमिलिया कहते हैं। यूनिसेलर यूकेरियोट्स, उन्हें हम प्रोटेस्टा कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक मल्टी सेलर यूकेरियोट्स, जिनमें सेल वॉल होती है, उन्हें हम प्लांटे कहते हैं। और हेटरोट्रॉफिक मल्टी सेलर यूकेरियोट्स विद सेल वॉल, वो फंगी कहलाते हैं। एंशियंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कार्लस लीनियस ने दी थी और दो क्लासिफिकेशंस हुए थे इसमें, प्लांटे और एनिमिलिया के। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल ने दी थी, जो एनिमिलिया, प्लांटे और प्रोटेस्टा में बायफोकेट हुई थी। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हर्बर्ट कोपलैंड ने दी थी, जो बायफोकेट हुई थी मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे और एनिमिलिया में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट एच विटकर ने दी थी, जो बायफोकेट हुई थी एनिमिलिया, प्लांटे, प्रोटेस्टा, फंगाई और मोनेरा में। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोस ने करी थी और सिक्स इसके बायफोकेशन थे, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, प्लांटे, फंगाई और एनिमिलिया। इसके थ्रू इसको हम थ्री डोमेन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डोमेन आर्की में आता है, यू बैक्टीरिया डोमेन बैक्टीरिया में आता है और प्रोटेस्टा प्लांटे फंगाई और एनिमिलिया यूकेरिया डोमेन में आता है। तो इसके थ्री डोमेन ऑफ लाइफ भी, इसको इसका सेकेंड नेम था। अगर आपको मेरी ये वीडियो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।